हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संतोषी जैन के चैनल पे। आज मैं आपको श्रीखंड की रेसिपी बताऊंगी। जी हाँ, जो कि सभी को पसंद आता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब होता है। ऐसे स्वीट डिश जिसमें ना तो हम घी का यूज़ करेंगे, ना ही तेल, और ना ही इसमें गैस की ज़रूरत है। फटाफट मिनटों में रेडी हो जाती है और सबको पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं श्रीखंड की रेसिपी, होममेड श्रीखंड की रेसिपी, जो कि मार्केट से कई गुना बेहतर है और टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो शुरू करते हैं श्रीखंड की रेसिपी। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम श्रीखंड बनाएंगे। श्रीखंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा लीटर दही लिया था और उसे मैंने कपड़े में बांध के रख लिया था। लगभग एक घंटा बांधने के बाद में वो इस तरह से उसका चक्का बन चुका है। आप देख सकते हो ये कितना गाढ़ा हो चुका है। इसी तरह से हमें चाहिए श्रीखंड बनाने के लिए। इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ थोड़े से लगभग 15 के आसपास बादाम ले लिए हैं और उतने ही काजू भी ले लिए। इसे मैंने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। और एक टीस्पून दूध में मैंने थोड़े से केसर की नली है जो कि अच्छे से भीग चुकी है। अब आप देख सकते हो इसे हमारे श्रीखंड में बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगी। और इसमें डालने के लिए मैंने 1/2 कप शक्कर लिए है। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन ये हमारा कर्ड 1 कप है तो मैंने 1/2 कप चीनी ली है। अब सबसे पहले हम इसमें चीनी डाल लेते हैं। चीनी को अच्छे से इसमें से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो पाउडर चीनी का भी यूज कर सकते हो। चीनी डालने के बाद में अच्छे से फेंट लेना है इस तरीके से, ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा दही भी एकदम सॉफ्ट लगता है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिखने लग चुका है। अभी है चीनी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छे से मिक्स करना है चीनी को। लगातार इसे 10 मिनट तक अच्छे से फेंटना, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए चीनी। आप देख सकते हैं इसमें चीनी हमारी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर केसर की कुछ लकड़ियाँ दूध में भिगो कर रखी। सिर्फ 1 टीस्पून दूध लिया है, ज़्यादा दूध नहीं लेना है। अभी हम इसमें डाल लेते हैं। इसे बढ़िया कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छी आ जाएगी। इसी के साथ में काजू भी डाल लेते हैं थोड़े। काजू के साथ में हम इसमें थोड़े बादाम भी डाल लेते हैं। यह फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर 2 इलायची को बारीक कूटकर उसका पाउडर कर लिया। ये भी हम इसमें डाल लेंगे। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट भी आ जाएगी और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। मैंने यहाँ पे एक जायफल लिया है आधा। इस पर हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आती है जायफल डालने से और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जायफल डालने से जब ज़्यादा कोई यदि श्रीखंड खा लेते हैं तो किसी को डकारे आने लग जाती है श्रीखंड की, तो जायफल डालने से ऐसा नहीं होता है। और इलायची से इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। आप देख सकते हैं हमारा जायफल और इलायची भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। हमारा श्रीखंड बिल्कुल रेडी हो चुका है। मिनटों में ये स्वीट डिश है रेडी हो जाती है। और इसमें ना तो घी लगता है, ना तेल, और ना ही गैस। बिना गैस के, बिना घी के और बिना तेल के ये स्वीट बन जाता है। फटाफट मिनटों में बन जाती है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा श्रीखंड बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी हो लग रहा है। सो फ्रेंड्स,
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।